जय हिंद दोस्तों, मैं गीता हूँ, आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों में विस्तार से आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। होली पर तेजस और गोमती से सफर होगा आसान। यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट, कांस्टेबल भर्ती समेत 8 भर्तियों का स्टेटस रिपोर्ट जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खींची बड़ी लकीर, अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर होगा चौराहा। उत्तर प्रदेश महिला पुलिस कर्मियों के पास होगा एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर। सैंपल पेपर के अनुसार होगी सीबीएसई की परीक्षा। एनसीआरवी साल 2022 में साइबर अपराधों में हुआ 11% का इजाफा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। होली पर तेजस और गोमती से सफर होगा आसान। जी हाँ दोस्तों, होली के दौरान ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने तेजस और गोमती एक्सप्रेस में आरक्षण खोल दिया है। 4 महीने पहले लखनऊ मेल सहित कई ट्रेनों में आरक्षण खुलते ही वेटिंग शुरू हो गया था, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अब 1 महीने पहले गोमती एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस में 17 फरवरी से आरक्षण खोलने का निर्णय लिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट, कांस्टेबल भर्ती समेत 8 भर्तियों का स्टेटस रिपोर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शुक्रवार को 9534 एसआई भर्ती परीक्षा 2021 और 26210 कांस्टेबल भर्ती समेत 8 भर्ती परीक्षाओं का स्टेटस रिपोर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन सी भर्ती परीक्षा किस स्टेज तक पहुंची है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खींची बड़ी लकीर, अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम पर होगा चौराहा। जी हाँ दोस्तों, कासगंज की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी बनवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भगवान श्री राम को चाहने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाली एक प्रमुख चौराहे का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। यह सरकार का संकल्प है, ऐसा करके हम उनको सम्मानित करेंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश महिला पुलिस कर्मियों के पास होगा एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति में अब कहीं भी महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी तो वे बिना डरे हर हालात से लड़ सकेंगी। प्रज्वला इनकी सुरक्षा करेगी, यह महिला पुलिस जवानों की तरफ से आने वाले हमलों को नाकाम कर देगी। दरअसल प्रज्वला एक बॉडी प्रोटेक्टर सुरक्षा कवच है, जिसे विशेष तौर पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक इस तरह का बॉडी प्रोटेक्टर सीआरपीएफ की महिला जवानों के लिए बनाया गया था। आपको बता दें, पहले चरण में 3000 बॉडी प्रोटेक्टर की मांग भेजी गई है। मार्च तक इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। सैंपल पेपर के अनुसार होगी सीबीएसई की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की टर्म 2 की परीक्षा को लेकर संशय खत्म हो गया है। सीबीएसई ने परीक्षा की तिथि तय कर दी है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में 26 अप्रैल से होगी। हालांकि इस बार पिछले साल की तरह परीक्षा केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि परीक्षा पूर्व की भांति तय केंद्रों पर परीक्षा संचालित की जाएगी। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। एनसीआरवी साल 2020 में साइबर अपराधों में हुआ 11% का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2022 में साइबर अपराध के मामले में 11% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। कैराना में ईवीएम को लेकर हंगामे के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कासगंज पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले चरण में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने का दावा करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि ये लोग अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि क्रिकेट में विकेट न मिलने से हताश बॉलर के अंपायर पर गुस्सा करने का उदाहरण देते हुए कहा कि ईवीएम पर ही सवाल उठाना है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन पड़े हैं।
इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपनी आठवीं बड़ी खबर की ओर। 2 लाख पौधे रोपित करेगा एलडीए। जी हां दोस्तों, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस बार वृहद स्तर पर पौधारोपण करेगा। करीब 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि करीब 5 एकड़ की भूमि को पौधारोपण के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण के पास विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध ग्रीन बेल्ट की भूमि का ब्यौरा संकलित कर लिया गया है। अब इन सभी जगहों का निरीक्षण करके अगले सप्ताह तक पौधारोपण का कार्य योजना तैयार कर लिया जाएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं नई बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तुकनिया हिंसाकांड के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं है। आशीष मिश्रा को करीब 4 महीने बाद जमानत मिली है, लेकिन अभी रिहाई नहीं हो सकती है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं दसवीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। मंदिर ही नहीं, संग्रहालय भी है गोरक्षपीठ। जी हां दोस्तों, बाबा गोरखनाथ मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि दुर्लभ और औषधीय पौधों का संग्रहालय भी है। यह पहचान देने की कोशिश गोरखपुर के युवा वनस्पति शास्त्री डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में 100 से अधिक ऐसे पेड़ पौधों की पहचान की जो आमतौर पर एक साथ नहीं पाए जाते हैं। इनमें कई दुर्लभ और औषधीय पौधे भी शामिल हैं। इस आधार पर वह मंदिर परिसर को वनस्पतियों का संग्रहालय घोषित कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन भी इस पर मुहर लगा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।